वो नशे में चूर थी, इसलिए मजबूर थी। शायद वो मनचला था, इसलिए उसे छेड़ने चला था। लखनऊ के माई बार में लड़की के ऊपर हुआ लगातार प्रहार। वो बार था जहां भरपूर शराब था, लेकिन सुरक्षा का नहीं कोई हिसाब था। नशे में धुत लड़की के ऊपर प्रहार की पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे दबा दें ताकि आपको ताजा तरीन खबरें लगातार मिलती रहे। लखनऊ की विभूति खंड में समीट बिल्डिंग में माई बार है। उस माई बार में लोग शराब पीने जाते हैं, जी हाँ, और उसी बार में थी कुछ लड़कियां जिनके साथ छेड़खानी हुई। नशे में धुत लड़की को बेरहमी से पीटा गया। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। विभूति खंड पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेकर कि क्या लड़कियां नशे में धुत थीं तो उनसे मारपीट करने वाले का मन इतना बढ़ कैसे गया। जानकारी के मुताबिक माईबार में रविवार देर रात छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। बताया जा रहा है कि हमजा नाम के एक युवक ने लड़कियों से छेड़छाड़ की थी। वहां मौजूद लड़कियों ने छेड़छाड़ का विरोध करते हुए हमजा को पीट भी दिया था। आरोपी हमजा ने भी लड़कियों से जमकर मारपीट की। हंगामा काफी देर तक चलता रहा और वहां खड़े लोग हंसते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद विभूति खंड पुलिस ने कैफे के मैनेजर की तहरीर पर छेड़छाड़, मारपीट और गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन मुख्य आरोपी हमजा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जो एक लड़की को बेतहाशा पीटते और बदसलूकी करते हुए दिख रहा है। फिलहाल 16 फ्लोर की समीट बिल्डिंग के ग्राउंड दूसरे, 13वें और 15वें फ्लोर को सील कर दिया गया है। पुलिस ने बार मालिकों को आदेश दिया गया है कि वह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें, साथ ही वहां पर एक पुलिस चौकी बनाने की तैयारी भी हो रही है। उधर समीट बिल्डिंग के बाहर भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। लखनऊ में ये घटी घटना हमारे समाज के बीच में रहने वाले कुछ लोगों के सोच पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। छेड़खानी करने वाले मनचलों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। यदि इस खबर को देखकर कुछ लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा हो कि लड़कियों को बार में नहीं जाना चाहिए, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी सोच का दायरा बदलें। इस धरती पर हर एक इंसान को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। और यदि कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ करता है तो वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यदि वो किसी और को नुकसान पहुंचाता है तो उस व्यक्ति का भी बहिष्कार होना चाहिए। सतर्क रहिए और जागरूक बनिए। देखते रहिए ABT News। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।